हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं बेबी चौबे और स्वागत करती हूं आप सबका अपने चैनल चौबे फूड हब में। तो आज हम गाजर और सूजी की बर्फी बनाने वाले हैं। बहुत अच्छा लगेगा और स्वाद बहुत अच्छा होगा। तो आप सब हमारे रेसिपी के अनुसार गाजर और सूजी की बर्फी बनाइए और खाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए गाजर का बर्फी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम आधा के जी गाजर ले लिए हैं। अब इसे आप मोटा मोटा काट कर और मिक्सी में चलाइए, बंद कीजिए, चलाइए, बंद कीजिए। ग्राइंड कर सकते हैं मोटा, लेकिन हम यहाँ पर कद्दूकस कर लेंगे। तो हम कद्दूकस करके फिर आपसे मिलते हैं। तो चलिए हम इसे गाजर को कद्दूकस कर लेते हैं। ठंड का मौसम है, बहुत सारा गाजर मिल रहा है, अच्छा अच्छा लाल लाल गाजर मिल रहा है, खूब बढ़िया बढ़िया गाजर मिल रहा है, ताज़ा गाजर। तो आप इसे बर्फी को ज़रूर बनाइए और बनाकर हमारे रेसिपी के अनुसार खाइए। बहुत टेस्टी लगेगा और कम मेहनत भी है और सीजन भी है गाजर का। तो हम कद्दूकस करके फिर आपसे मिलते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो ये देखिए कद्दूकस तो हम कर लिए गाजर का। देख रहे हैं कितना लाल लाल गाजर है, इधर ताज़ी गाजर है, बिल्कुल ताज़ा गाजर है। तो हम कद्दूकस कर लिए हैं। हम एक कप सूजी लिए हैं। ये मार्केट में सूजी मिल जाती है, महीन वाली सूजी है, मोटा वाला नहीं है। तो हम एक कप सूजी लिए हैं। अब इसको हम भून लेंगे सूजी को पहले। तो चलिए हम फटाफट से कढ़ाई चढ़ा लेते हैं और सूजी को भून लेते हैं। ये देखिए कढ़ाई हम चढ़ा लिए हैं और कढ़ाई हमारा गर्म ही भी हो चुका है। तो इसमें हम सूजी को डाल लेंगे और इसे हम मीडियम आंच पर सूजी को थोड़ा सा भूनेंगे, मतलब थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा तो हम इसे बंद कर लेंगे। तो हम सूजी को भून लेते हैं। कढ़ाई हमारा गरम है और इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी डाल लेंगे। एक चम्मच हम घी डालेंगे। आप घी अपने अंदाज से डाल सकते हैं। अब इसे मेल्ट कर लेते हैं। ये देखिए घी हमारा मेल्ट हो चुका है। तब इसमें जो हम गाजर जो कद्दूकस किए थे ना, इसे हम डाल लेंगे। देख रहे हैं कितना अच्छा गाजर लग रहा है, बिल्कुल लाल लाल गाजर, ताज़ा ताज़ा। तो इसका बनाइए, हलवा बनाइए या बर्फी बनाइए या कोई मिठाई बनाइए गाजर का, बहुत अच्छा लगेगा, स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो इसे हम भून लेंगे। इसे हम थोड़ी देर भूनेंगे। देख रहे हैं गाजर हमारा गल रहा है। तो इसे हम थोड़ा देर और भून लेंगे। थोड़ा देर के लिए और भून लेंगे। बिल्कुल आपको हलवाई जैसी ये बर्फी लगेगी, जैसा हलवाई लोग बनाता है गाजर का बर्फी, वैसे ही लगेगी, बहुत स्वादिष्ट लगेगी। आप एक बार ज़रूर बनाएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो हमारा पूरा देखिए। तो ये देखिए गाजर हमारा बिल्कुल गल रहा है। तो हम इसे थोड़ा देर और भूनेंगे। ये देखिए गाजर हमारा भुना चुका है। हम आधा के जी गाजर लिए थे। अब इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे, एक कटोरी दूध हम डालेंगे। यहाँ पर हम रूम टेम्परेचर के अनुसार दूध डाल रहे हैं। अब हम इसे थोड़ा सा भुनेंगे। दूध हमारा ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म था, तो हम थोड़ा सा इसे
भून लेंगे कि हमारा दूध जो है थोड़ा सा सोख ले गाजर। तो हम इसे थोड़ा सा आँच को तेज कर देंगे। तो इसमें हम जिस कप से सूजी लिए थे उसी कप से हम 1.5 कप चीनी डाल देंगे। ये हमारा 1 कप चीनी हो गया और हम 1/2 कप चीनी और ले लेंगे और इसे हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद से हम मिला लेते हैं और हम इसी में जो सूजी हम भून के रखे थे ना सूजी को डाल लेंगे। ये देखिए सूजी भुने थे जो सूजी हम इसमें डाल लेंगे और इसे मिला लेंगे और आंच थोड़ा सा हम मीडियम कर लेंगे। अच्छा तरह से मिला लेंगे। ये देखिए अब हम इसे क्या करेंगे कि इसको हम ढक देंगे कि जो सूजी है ना जो हम सूजी भून कर इसमें डाले हैं वो हमारा सूजी फूल जाए। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर डाल देंगे, ढक देंगे इसे। फ्रेंड्स तो चलिए इसे हम ढक्कन हटा के देखते हैं। वाह कितना अच्छा हुआ है, कितना अच्छा सूजी जो है फूल गया है। तो अब हम इसमें क्या डालेंगे, अब इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। हम 3-4 चम्मच इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे। देख रहे हैं ना कितना अच्छा हुआ है और ये सूजी जो हमारा है कितना अच्छा फूल गया है। ये देखिए गाजर का कोई भी डिश इस समय ठंड के दिन में अच्छा लगता है बनाने में और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो हम ये ले लिए हैं और हम चारों तरफ डाल लेंगे। ये छोटा वाला जो पैकेट मिलता है ना मिल्क पाउडर का वही हम मंगवाए हैं तो इसमें हम डाल लेंगे। इससे क्या होता है ना बिल्कुल बर्फी जैसा लगता है, मावा वाला टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है, स्वाद बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल हमें ये नहीं लगता कि हम गाजर खा रहे हैं या गाजर का कोई खा रहे हैं, लगता है कि हम मिठाई खा रहे हैं। बहुत अच्छा स्वाद आता है इससे। तो हम इसे बराबर से मिला लेंगे और ये देख रहे हैं ना कढ़ाई छोड़ा है, हमें घी डालने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि घी हम पहले ही थोड़ा ज़्यादा डाल दिए थे। तो हम इसे अच्छा से मिला लेंगे। ये देखिए कढ़ाई छोड़ने लगा ना, तो इसे हम थोड़ा सा दबा दबा के अच्छा से मिला लेंगे। ये देखिए पूरी तरह से कढ़ाई छोड़ने लगा है, कढ़ाई में चिपका नहीं है। ये देखिए तो अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे। ये जो तो चलिए हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल लेते हैं, चारों तरफ से डाल लेंगे। इसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। बन गई ना ये मिठाई, लगेगा नहीं कि अब गाजर की हलवा खा रहे हैं, बिल्कुल एक मिठाई के जैसा हो गया ये हमारा जो बर्फी बनाए हैं। और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो हमारा फूल देखिए, पूरा वीडियो हमारा देखिए। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं और हम इसे बर्फी के डिजाइन काटेंगे। आप चाहे भी कोई भी डिजाइन आप काट सकते हैं। तो हम इसे चलिए इसे निकाल लेते हैं। देख रहे हैं ना कढ़ाई छोड़ दिया है ना बिल्कुल। तो चलिए गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसे निकाल लेते हैं।
इसे ट्रे में जमा रहे हैं, तो इसे हम ट्रे में निकाल लेंगे। ये देखिए, और इसे हम इसी ट्रे में हम जमा लेंगे। ये देखिए, हम इसे शेप में दे दिए हैं, और इसमें हम थोड़ा सा बादाम डाल देते हैं। और बादाम डालते वक्त थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए इसे। बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे स्वाद आएगा। आप सब एक बार ज़रूर बनाइए और हमारे रेसिपी के अनुसार बनाकर खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। और गाजर का सीजन भी है तो और बढ़िया से बनेगा। और हम मिठाई बनाएंगे गाजर का अगले रेसिपी में, तो इसे थोड़ा सा दबा लीजिए और इसे आपको अगर जल्दी खाना है तो इसे हम फ्रिज में 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर थोड़ा सही है, नॉर्मल रखना है, तो यहीं पर हम छोड़ दे रहे हैं 2 घंटा के लिए। जब ये जम जाएगा तब हम इसे कट करेंगे। तो चलिए इसे हम छोड़ देते हैं और हमारे बर्फी के साथ एंजॉय कीजिए। ज़रूर बनाइए हमारी रेसिपी देखकर। तो चलिए आपसे हम 1.5 घंटे 2 घंटे बाद मिलते हैं। ये देखिए, हम बाहर ही रखे थे, फ्रिज में नहीं रखे थे, और ये बहुत अच्छा जम चुका है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत आसानी से कट गया, गाजर का ही ना है। अब इधर से हम काट लेंगे, ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा साइड में करेंगे। ये देखिए, हम कट कर लिए हैं और एक पीस हम निकाल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा पीस हुआ है। ये देखिए, साइड साइड से देखिए, इधर से भी देखिए, और खाने में तो इतना अच्छा लगेगा कि हम आपको क्या बताएं। तो हम इसे सर्व करके बता रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, हमारा गाजर और सूजी का बर्फी तैयार हो गया। लग रहा है ना कितना अच्छा, और खाने में उतना ही अच्छा होगा। ये देखिए, हम इसमें फर्स्ट सर्व किए हैं, और ये दूसरा वाला प्लेट देखिए, लग रहा है ना अच्छा, कितना सुंदर लग रहा है, और खाने में उतना ही अच्छा लगेगा, और मेहनत भी कम है, गाजर का दिन है। तो आप सब बनाइए और मेरी रेसिपी के अनुसार बनाकर खाइए। और अभी हम आधा जो है वो ट्रे से नहीं निकाले। तो ये देखिए, इसमें जो हम मिल्क पाउडर डाले हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा इसका स्वाद आया है, बहुत ज़्यादा आया है, हम क्या बताएं। तो एक हम तोड़ के आपको दिखा रहे हैं, एक हम तोड़ के दिखा रहे हैं। ये गाजर का इसमें मिक्स है, गाजर और सूजी, तो एकदम बिल्कुल मुलायम है। तो आप एक बार ज़रूर बनाइए हमारी रेसिपी के अनुसार, और बनाकर ये गाजर और सूजी की बर्फी आप ज़रूर खाइए। और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, और हमारे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।